अच्छा आप क्वेश्चन पूछोगे ये सक्सेस है, ये किसने डिफाइन किया? आप पे क्या डिपेंड करता है? क्या आप पे कुछ डिपेंड करता है? नहीं करता है। यहां पर आप बैठे हुए हो तो आपके लिए सक्सेस की दो डेफिनेशन हो सकती है। एक ये कि मेरे को अगर क्वेश्चन पूछने को मिलेगा तो मैं सक्सेसफुल हूं, तो मेरा यहां पे आना सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो मैं फेलियर हूं। तो ये क्या है? ये समझदारी है, बेवकूफी है? बेवकूफी, बेवकूफी है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। यस सर। अब मैं कंट्रोल करूंगा आपकी सक्सेस या फेलियर को, मैं जब चाहे आपको सक्सेसफुल बना दूंगा, जब चाहे फेलियर बना दूंगा। यस सर। उसमें भी आपने और आगे डिफाइन कर रखा होगा अपने माइंड में कि अब मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर तो मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिला तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मेरी झंड हो गई तो बेवकूफ, तो मैं महा फेलियर हूं। पहले तो मैं फेलियर था, अब तो मैं महा फेलियर हूं, क्योंकि कैमरे में लाखों लोग देखने वाले हैं और इतने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ गया है कि नहीं। ये सब कौन डिफाइन कर रहा है अपने लिए? आप अपने लिए डिफाइन कर रहे हो। yes, लेकिन ये डिफाइन करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछने को मिले ना मिले, इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं यहां पर किस लिए आया हूं? कुछ सीखने के लिए आया हूं। yes, sir. कोई पूछने के लिए थोड़ी आया हूं, सीखने के लिए आया हूं। तो अगर मैंने आज यहां से एक भी ऐसी बात सीखी जिससे मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिले तो मैं सक्सेसफुल हूं। yes, sir. Yes, sir. आप ये सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। या ये कह लो ये जो सीखने का कंट्रोल है, सीखना विच इज लिंक्ड टू चेंजिंग योर लाइफ, तो अपनी जिंदगी को बदलने का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? मेरे हाथ। पूरी तरह से आपके हाथ में आ गया। आपको सीखना है सीखो, नहीं सीखना मत सीखो।